गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी ढोकला। इसमें डालूंगी 6 चम्मच ऑयल, 2 चुटकी हींग, 3 चम्मच चीनी पिसी हुई, 1/2 चम्मच टाटरी। इसमें डालूंगी हल्दी, ज्यादा नहीं डालनी है, 2 चुटकी हींग। और इसमें डालूंगी जिंजर गार्लिक चिली पेस्ट, 2 चम्मच। और इसमें डालूंगी मैं 6 चम्मच पानी और इसे मिक्स कर लूंगी। ये मिक्स हो चुका है और अब मैं लूंगी 1 कप बेसन और थोड़ा थोड़ा मिलाऊंगी इसमें। 1 कप बेसन लिया है और थोड़ा थोड़ा डाल के मिलाऊंगी, ज्यादा एक साथ ना डालें वरना ये मिलेगा नहीं अच्छी तरह। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। और सारा बेसन मिला देंगे, थोड़ा थोड़ा पानी फिर से डालेंगे, बस इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। फिर से पानी डालूंगी, मिलाऊंगी, फिर से पानी डालूंगी, इसे अच्छी तरह मिक्स करूंगी। फिर से डालूंगी, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए, अच्छी तरह मिक्स करूंगी। फिर से पानी डालूंगी इसमें मैं और फिर से मिक्स करूंगी अच्छी तरह। 10 मिनट तक इसे अच्छी तरह मिक्स करना है। इसमें मैं डालूंगी नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग, टेस्ट के हिसाब से डालें नमक आप। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। लगभग इसे 10 या 20 मिनट तक अच्छी तरह मिक्स करना है, एक भी लम्स नहीं बचना चाहिए इसमें। देखिए थोड़े थोड़े बबल आ गए, हल्के हल्के से आए अभी, और थोड़ी देर इसे ढककर रख देंगे। देखिए अब इसमें कितने सारा बबल आ गए। इसमें डालूंगी बेकिंग सोडा, इसे मिक्स कर लूंगी। अच्छा बना है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के फिर से मिक्स करूंगी इसे। इसे मिक्स करना बहुत ही जरूरी है। बीच बीच में इसे हिलाते जाएं, पानी डाल, थोड़ा सा पानी और डालूंगी, फिर से पानी डालूंगी, फिर से मिक्स करूंगी। देखिए कितनी अच्छी तरह बन गया है हमारा, कितना स्मूथ बना है। फिर से इसे घुमाऊंगी लगभग 10 मिनट तक। 10 मिनट तक इसे लगातार घुमाते जाना है। इसे घुमाना बहुत ही जरूरी होता है, वरना इसे घुमाओगे नहीं तो अच्छा बनेगा नहीं हमारा ढोकला। इस तरह का कंटेनर लेके उसमें थोड़ा सा तेल डालूंगी और उस पर स्प्रेड कर दूंगी।
देखिए मैंने स्प्रेड कर लिया है इस पे सारा तेल। तेल इसलिए लगाया है क्योंकि ये चुपके ना बेक करते वक्त, निकालते वक्त देखिए कितना निकलेगा अच्छी तरह। आप तेल लगाएंगे तो तेल लगाना जरूरी है, थोड़ा सा घुमाएंगे इसे बीच बीच में, घुमाते रहिए घुमाएंगे। और इसे इसमें हम डालेंगे ये सारा बैटर इसमें, इतना स्मूथ हमारा बना है कि अंदर जाके ही इसे हमें टैप करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह का कढ़ाई लेके उसमें थोड़ा पानी डाल के ऊपर स्टैंड रख दें। कढ़ाई आप जितनी बड़ी लेंगे उतनी अच्छी आपका बनेगा ढोकला, उतनी अच्छी तरह आपका ढोकला बेक होगा। पानी को थोड़ा सा उबलने दें और इस पे रखेंगे हम, स्टैंड पे रखें आप, वैसे ढककर रख देंगे बेक होने के लिए। थोड़ी देर बाद देखेंगे इसको, अब थोड़ी देर बाद देखेंगे इसमें कि पका कि नहीं हमारा ढोकला। इसमें हम देखूंगी अब, देखिए बिल्कुल गंदा नहीं आया इसमें, अंदर से बिल्कुल अच्छी तरह पक गया है ये। देखिए कितना अच्छा स्मूथ अच्छा बना है हमारा केक जैसा, बिल्कुल जैसा केक बनाते हैं वैसे। इसमें हमें देखना है कि डुबा डुबा के चाकू थोड़ी देर पकाएंगे। और ये देखिए अब हम बनाएंगे इसका पानी ढोकले का। पैन को थोड़ी देर गरम करेंगे, पैन को अच्छी तरह गरम कर लेना है हमें। इसमें डालूंगी थोड़ा सा तेल और तेल को अच्छी तरह गरम होने दे, वरना पानी में इसका कच्चापन आएगा। इसे अच्छी तरह पकाना है हमें तेल को। ढोकले बनाने में बहुत देर लगती है पर ये जल्दी बन जाएगा। देखिए इसमें अब डालूंगी मैं अब राई, एक चम्मच राई डालूंगी और इसे अच्छी तरह तड़कने दूंगी। और थोड़ी सी हरी मिर्च कटी हुई और डालूंगी करी लीव्स। कड़ी पत्ते की बहुत अच्छी खुशबू आती है इसमें, खाने में बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा, तो कड़ी लीव्स जरूर डालें। इसे अच्छी तरह सॉटे होने देंगे। अच्छी तरह सोटे होने देंगे। इसमें डालूंगी मैं एक चम्मच चीनी, ज्यादा नहीं डालनी है थोड़ी सी डालें, पर चीनी का टेस्ट थोड़ा कम आता है इसलिए आप अपने हिसाब से डालें।
पिसी हुई डाली है, नॉर्मल चीनी भी डाल सकते हैं बिना पिसी हुई। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसमें, पानी आप जितना बनाना चाहें उतना डालिए पानी। इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक, नमक ज्यादा ना डालें पर डालें जरूर। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे सारी चीजों को इसमें। इसमें थोड़ा उबाल आने देंगे, तब तक हम इसे थोड़ी देर पकाते हैं। बॉयल होने देंगे इसे पहले अच्छी तरह, जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता तब तक इसे पकाना है अच्छी तरह। इसमें थोड़े थोड़े से बबल्स आ रहे हैं अभी, मीडियम फ्लेम पे रखें गैस को। इसमें उबाल आ चुका है, बॉयल अच्छी तरह हो गया है। बॉयल होने देंगे इसे अच्छी तरह पहले पानी को। मैंने थोड़ी सी हींग डाल दी है इसमें, मैं भूल गई थी इसलिए। आप तड़क इसे फ्राई करते वक्त डाल दें इसमें। इसे बॉयल होने देंगे अच्छी तरह। इसमें मैंने दो चुटकी मैंने इसमें अब हम इसे थोड़ी देर बाहर निकालेंगे। पहले इस तरह से ना निकालें, और हम इस तरह से निकालना है हमें। इसे हम पहले साइड से कट कर लेंगे, मतलब इसे हटा लेंगे। जो पहले प्रोसेस दिखाया था उसे यूज ना करें, वो अच्छा नहीं है। वो मैंने आपको दिखाने के लिए कहा था कि इस तरह से ना निकालें। इसे मैंने टैप करूंगी इस पे, ये देखिए इसमें से निकलेगा कितना अच्छा हमारा ढोकला। ये देखिए मैंने कहा था ना, ये बिल्कुल चिपकेगा नहीं उसमें तेल लगाने से। और देखिए कितना फ्लफी बना है हमारा। और याद रखिए इसे बेक करते टाइम थोड़ा बड़े कंटेनर में डालें, वरना ये अच्छी तरह पकेगा नहीं। इसे कट कर लूंगी मैं पीसेस में। कैसा केक जैसा लग रहा है हमारा ढोकला, एकदम फ्लफी। इसे कट करेंगे पीसेस में, पीसेस को ज्यादा छोटा ना करें। देखिए कितना फ्लफी बना है हमारा ढोकला। अब इस पे पानी डालेंगे जो हमने बनाया था। मैंने पानी में थोड़ी सी हींग डाली थी बाद में, और थोड़ी सी हल्दी, हल्दी मैंने थोड़ी लास्ट में डाली थी, आप थोड़ा ऐड कर लें। देखिए इसे अच्छी तरह डालेंगे इसमें, और इसे थोड़ी देर ठंडा करने के बाद ही खाएं। ठंडा करने के बाद खाएंगे तो इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है, गर्म अच्छा नहीं आएगा, इसलिए इसे थोड़ा ठंडा फ्रिज में करके फिर खाएं। तब तक इसे पानी भी पी लेगा हमारा ढोकला। आप जब इसे खाएंगे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा।
जब भी हम इसे ठंडा करके और इसे थोड़ी देर पानी भी पीने दें, ये पानी नहीं पिएगा तो इसमें टेस्ट नहीं आएगा उसका पानी का, तब तक पानी इसमें पीना बहुत ज़रूरी है। Please like, share, comment, subscribe our channel, press the bell icon. Thanks for watching.